है तो ये सियासी दास्तान लेकिन किसी एक्शन फिल्म जैसा। यह किस्सा है प्रयागराज की पूजा पाल के राजनीतिक सफर का, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अब की यूपी चुनाव में कौशाम्बी की चायल सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। बेहद गरीब परिवार की पूजा का विधायक बनने की कहानी। बेहद गरीब परिवार की पूजा का विधायक बनने की कहानी खूनी और रोमांचक है। उन्होंने कुख्यात माफिया अतीक अहमद का गुरूर चूर कर उसकी राजनीति धाक खत्म कर दी। पैच उसकी राजनीतिक धाक को खत्म करने का काम किया है। पूजा पाल का नाम उनके पति इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद चर्चित हुआ। धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर रहे राजू पाल ने अतीक के फूलपुर से सांसद चुने जाने से खाली शहर पश्चिमी सीट पर 2004 में उपचुनाव में शहर माफिया के भाई सपा उम्मीदवार अशरफ को हराकर सनसनी फैला दी। 5 बार यहां से निर्दल और सपा के टिकट पर विधायक रहे अतीक के भाई अशरफ की हार बड़ी थी, राजू की जीत। तब लोग अतीक के नाम से ही थरथरा जाते थे, कोई आवाज नहीं उठा सकता था अतीक के खिलाफ। लेकिन राजू ने तो उनको भारी पराजय दे डाली। इस चुनावी जीत के कुछ ही महीने बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले को सुलेम सराय में जीटी रोड पर रोककर गोलियों की बौछार कर दी गई। राजू पाल समेत 3 लोग मारे गए। अतीक और अशरफ को अन्य शूटरों समेत हत्याकांड का आरोपी बनाया गया। पहले पुलिस फिर CBCID और कुछ समय पहले CBI ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इस मुकदमे में अब भी फैसला आना बाकी है। मौजूदा समय में अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में, अशरफ बरेली जेल में बंद है। शादी के 9 दिन बाद ही पति के कत्ल के कुछ महीने बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने उन्हें अशरफ के सामने चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें उन्हें हार मिली। लेकिन इसके बाद 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल ने बसपा के टिकट पर बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद 2012 के चुनाव में अशरफ के बजाय अतीक अहमद ने खुद पूजा पाल के सामने ताल ठोकी, लेकिन उन्हें भी शिकस्त मिली। उनका गुरूर चकनाचूर हुआ। पूजा लगातार 2 बार विधायक रही, मगर 2017 में मोदी लहर के सामने उन्हें सिद्धार्थनाथ सिंह से हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने दल बदला और सपा में शामिल हो गई। अब वो इस बार के चुनाव में चायल सीट से लड़ने जा रही हैं।